What's up guys, this is Bob Guneet here and you're watching Photo Finish. मुंबई और जो मेरा प्लान है अभी मैं निकलने वाला हूँ फॉर संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में मैं थाने में रहता हूँ अभी मेरे पास स्कूटी है मैं यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क जाऊँगा और वहाँ पर मुझे मेरे एक दोस्त मिलेगा जो मेरे को पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क घुमाने वाला है तो अभी हम चलते हैं इन दी संजय गांधी नेशनल पार्क और मैं अपने दोस्त के साथ हूँ जो अभी मेरी फोटो ले रहा है तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर 7 बजे लेकिन बाद में आकर पता चला कि एंट्री 7:30 की थी उस दौरान हमने फिर आधे घंटे के दौरान हमने थोड़ा बहुत नाश्ता खाया बाहर बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है लिटरली होममेड नाश्ता मिलता है तो वो काफ़ी टेस्टी था वो खाया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री पास लिया सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कैनरी केव्स और वहाँ पर बीच में भी काफ़ी अच्छे सीन्स दिख रहे हैं हिरण वगैरह भी दिखने को मिले और अभी तो स्टार्ट हुआ अभी आगे देखने को और मिलेगा तो चलिए मेरे साथ वैसे यहाँ अभी जो आए हैं वो स्कूटी पे आए हैं तो थोड़ा इजी रहता है यहाँ पर ट्रैवल करना लेकिन अगर आप पैदल आते हैं अगर आपका पर्पस ही वॉकिंग और जॉगिंग है यहाँ पर तो ठीक है लेकिन अगर आप पैदल आते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लगेगा आपको पूरा ट्रैवल करने में आप थक जाएंगे पसीनो पसीन हो जाएंगे तो इससे बढ़िया आप भी कोई व्हीकल या कोई ट्रांसपोर्टेशन के मोड से आइए कैनहरी केव्स और यहाँ पर आए तो काफ़ी अच्छा सीन है आप आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ट्राईपॉड अगर कैरी करें या माइक कैरी करें तो वहाँ यहाँ सबमिट करना पड़ेगा और बाकी यहाँ पर जो सीन है काफ़ी अच्छे हैं बहुत सुंदर है और यहाँ से जो मुंबई का सीन आता है जो मुंबई दिखता है यहाँ से बहुत प्यारा दिखता है बहुत प्यारा दिखता है आप देखिएगा आगे आने वाली वीडियो में तो अभी जो है हम यहाँ पर एक पास में रेस्टोरेंट टाइप था उसमें बैठे हुए हैं पूरा केव्स घूम लिया और काफ़ी थक गए थे कवर भी नहीं कर पाए पूरा क्योंकि ये एक पार्ट है जो हमने कवर किया था और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साइड है वो दूसरा पार्ट है वैसे आपको एक बात बताना चाहूँगा जो ईशान बैठे हैं पास में उनके साथ मैं एक दिन पहले भी घूम चुका हूँ लेकिन उस वीडियो में हुआ क्या कि जो जितनी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वॉइस नहीं आई है तो उस टाइम क्योंकि माइक ऑफ हो गया था पता नहीं कैसे तो कुछ भी वॉइस नहीं आई है तो अब देखते हैं उसको कैसे किस टाइप की वीडियो में मैं कन्वर्ट करता हूँ बाकी आगे का प्लान यही है कि यहाँ से उतरेंगे जो थोड़े बहुत सीन लिए हैं वो आपको दिखा चुका हूँ मैं आपको मैं 2-3 एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर आते हैं केव साइड पे पहला अगर आते हैं तो सुबह सुबह जल्दी आइए नहीं तो जैसे जैसे धूप पड़ती जाती है वैसे वैसे टॉलरेंस लेवल फिर हमें बढ़ाना पड़ता है धूप को टॉलरेट करने के लिए दूसरा एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अगर आप आते हैं तो क्लाउडी वेदर है उस समय ही आइए क्योंकि ऊपर जाके फिर जो हवा लगती है वो अच्छा लगता है तीसरा पॉइंट ये देना चाहूँगा कि यहाँ पर बंदर आसपास बहुत है तो खाने पीने की चीज़ें आप लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से लीजिए दिस वॉज ऑल फॉर टुडे और अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए क्या बुराइयाँ हैं क्या अच्छाइयाँ हैं और ऐसे वीडियोज़ को आगे और देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते @gabrunoo पर तो फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के वीडियोस डालते रहता हूँ। तो जैसे अभी मैं मुंबई आया तो मुंबई का ट्रेलर डाला था मैंने उस पर, तो वो भी देखिए जाकर अगर नहीं देखा हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए यार, और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।